13 साल। शायद मेरी फैमिली के बाद मेरी लाइफ का ये सबसे लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप रहा है जो आज खत्म होता है। ये मेरा पहला जॉब है इसलिए इमोशनल अटैचमेंट थोड़ा ज्यादा है। आई जॉइन फीवर 104 FM इन 2009। ए आर रहमान है जस्ट वन द एकेडमी अवार्ड फॉर स्लम डॉग मिलियनेयर एंड एज एन इंटर्न मेरा सबसे पहला टास्क था इंटरव्यू द पीपल ऑफ धारावी। तो मैं मेरा छोटा माइक धारावी की छोटी गलियां, आज उन्हीं गलियों में मेरा शो चलता है। मुंबई की मुलगी उर्मिन पूरा धारावी सुनता है। पहली बार जब शो मिला था तो रात 12 बजे का वक्त था। मैंने सोचा कौन सुनेगा, अपने आप पर ही शक था। आप सुन रहे हैं फीवर 104 FM, ऐसी धीमी आवाज में सब सही लगने लगा। आरजे बनने का जो सपना था ना उसे पूरा होते हुए मुझे धीरे धीरे दिखने लगा। सो फ्रॉम द मिडनाइट शो मुझे मिला आफ्टरनून और आफ्टरनून पर लाया अनप्लग्ड म्यूजिक का एहसास। सिंगर से हुई दोस्ती, हर गाना बना अब थोड़ा और भी ज्यादा खास। देखते देखते इट्स बीन 13 years और अब इस खूबसूरत जर्नी से विदा लेने की बारी आ गई है। तो बस अब चलती हूं। मेरे दिमाग के कोने में एक अटैची खोल रखी है, उसमें सारी यादें भरती हूं। ये खूबसूरत यादें हैं मेरे पास। वो लास्ट मिनट पर सिस्टम हैंग हो जाना, वो ऑनर होने के बावजूद माइक ऑन करने भूल जाना, वो कॉलर्स की बहस कि किसने पहले जवाब दिया, तो वो सिंगर से रिक्वेस्ट कि एक और गाना गवा दिया, वो प्रोड्यूसर से साइन लैंग्वेज में बात करना, और चलते शो के दौरान दोस्तों का स्टूडियो में एंटर करना, अपने प्रोमो प्ले करने की एक छोटी सी जिद रखना, म्यूजिक मैनेजर से अमित त्रिवेदी के गाने की रिक्वेस्ट रखना, मेरे डेस्क को अगर किसी ने गंदा किया ना उसे टोकना, स्कोर अपडेट्स के दौरान अकेले स्टूडियो में रहना। गलती भी अगर कर ली तो मुस्कुराकर आगे बढ़ना, और अच्छा शो किया तो अपने आप को पैट करना। बीमारी, ब्रेकअप, बारिश, कोरोना, हर हाल में ऑफिस आना, उस शो के चलते माँ का फोन आना, बेटा तेरा शो टैक्सी में सुन रही हूँ, टैक्सी वाले का नाम लेगी क्या? मेरी अटैची का वजन बहुत बढ़ते जा रहा है, उठाने में तकलीफ होगी। तो बस अब चलती हूँ, इससे पहले कि इमोशनल हो जाओ अब सभी को शुक्रिया कहती हूँ। थैंक यू सो मच to all the lovely listeners, to my colleagues, to the wonderful artists that I have interviewed, jinhone mujhe ek behtar insaan banaya. Thank you to this medium radio, jisne mujhe hasna, agar galti bhi hui to usse ubharna sikhaya. Kabhi kabhi kisi jagah par comfortable hote hi hum use apni zindagi bana lete hain. Himmat rakhi to ek nayi disha milegi. मैं उस दिशा की तलाश में हूं जो मुझे एक नए मुकाम पर ले जाएगी। तो बस अब चलती हूं, लाल बत्ती को आखिरी बार बाय बाय कहती हूं, माइक को ऑफ करने से पहले। सुनते रहिए फीवर 104 FM, मैं हूं आपकी मुंबई की मुलगी उर्मिन।